लेकिन आगे बढ़ते हैं, कौन कौन है आज मेरे साथ फुल एंड फाइनल में। सबसे पहले आपको मैं ये बताता हूं, मेरे साथ इस वक्त अशोक सज्जनहार सर है, फॉर्मर एम्बेसडर सर, बहुत स्वागत है आपका। मेरे साथ मेजर जनरल के सिन्हा सर है एज डिफेंस एक्सपर्ट, सर आपका भी बहुत स्वागत है। मेरे साथ मेजर जनरल अश्विनी सिवाच हैं एज डिफेंस एक्सपर्ट, सर बहुत स्वागत है। और हमारे संवाददाता आप देख सकते हैं यहाँ पर मनीष झा यहाँ पर हैं, मनीष आपका भी स्वागत है। मैं आपके पास आऊंगा, एक बड़ी खबर मॉस्को से आ रही है, उससे पहले मैं अपने दर्शकों को यह खबर दिखा दूं, मॉस्को पर यूक्रेन का बड़ा ड्रोन अटैक, एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त की, एयर डिफेंस से ड्रोन हमला नाकाम हो गया। ये देखिए एक बड़ी खबर, मॉस्को पर एक बड़ा हमला करने की कोशिश की यूक्रेन ने, ड्रोन का एक बड़ा हमला नाकाम, यह कहा है रूस ने। कुछ देर के लिए वुकोवो एयरपोर्ट बंद कर दिया गया, सुरक्षा के जायजे के बाद उड़ानें फिर शुरू की गई हैं वहां पर। तो यूक्रेन लगातार रूस को ड्रोन अटैक से कहीं ना कहीं दहलाने की कोशिश करता हुआ। ये देखिए मॉस्को के मेयर सर्गेई सोवाइन ने दावा किया है कि सुरक्षा के जायजे के बाद उड़ानें हमने फिर शुरू कर दी हैं, लेकिन कुछ देर के लिए मॉस्को के वुकोवो एयरपोर्ट पर वहां उड़ानें बंद कर दी गई थी। सीधे मनीष झा के पास चलते हैं, मनीष बताइए जरा इसके बारे में, कब की है ये घटना? जी हाँ बिल्कुल, देखिए आज की घटना है और सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले अगर आप 8-10 दिन में देखें कि ये चौथा या पांचवा ड्रोन अटैक है जो मॉस्को के करीब पहुंचा, लेकिन आज के ड्रोन की बड़ी बात यह थी कि इस ड्रोन की साइज बड़ी थी, ये लगभग में 8-9 फीट लंबा, 8-9 मीटर लंबा जो है ये ड्रोन था। तो आप कह सकते हैं कि इस ड्रोन को लेकर कम से कम ये जरूर कहा जा सकता है कि इसमें यहां तक पहुंचाने में यूक्रेन को एक बड़ी कामयाबी मिली है। अब तक रशियन अथॉरिटी यही कहते थे कि बहुत सारे ड्रोन जो है वो गाड़ी में लेकर आते हैं यहाँ असेंबल करके और यहाँ से फ्लाई करते हैं, उस हिसाब से लगता है कि ये हो सकता है कि यूक्रेनियन सीमा या उसके आसपास से इसने उड़ान भरी हो। और ये मनीष अगर यूक्रेनियन सीमा से भी मान लें, अगर मान लें इसने किसी बॉर्डर वाले शहर से यूक्रेन से उड़ान भरी होगी, तब भी मॉस्को तक 700-800 किलोमीटर से तो कम नहीं होगा। इतना बड़ा ड्रोन 700-800 किलोमीटर तक चला जाना, क्या ये रूस के लिए एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज या उनकी कमी नहीं है? बिल्कुल सही बात है, और इतनी दूरी तक सफर तय करके अगर वो मॉस्को तक पहुंच जाते हैं तो एयर डिफेंस को लेकर बहुत सवाल उठता है। लेकिन आप ये भी देखिए कि ड्रोन वॉरफेयर ने दरअसल ना केवल रूस बल्कि पूरी दुनिया के लिए सरदर्द बना दिया, क्योंकि इसमें ट्रैक करना, खास करके जब आप आकार छोटे होते हैं, जब वो लो हाइट पर वो फ्लाई कर रहे होते हैं, तो बहुत मुश्किल भी होता है। चलिए इस पर आगे बात करते हैं मनीष, अभी आपसे और जानकारी लेंगे इस बारे में, लेकिन कुछ और बड़ी खबरें वॉर जोन से आ रही है वो दिखाएं अपने मेहमानों के पास जाएं, फिर इस पर बात करेंगे कि ये ड्रोन हमले रुकते कैसे नहीं है और क्या यूक्रेन इन ड्रोन हमलों से कोई मैसेज देने की कोशिश कर रहा है दुनिया को। लेकिन